ये ब्राह्मण है नहीं, क्षत्रिय है नहीं, विषय है नहीं, वैश्य है नहीं, लड़ो। सर आप जाति पर कटाक्ष क्यों करते हैं? ब्राह्मण अब कहते हैं कि राजकुमार सैनी जैसे ही हम अंधविश्वास पर बोलते हैं, क्या ये राम रहीम ब्राह्मण था, क्या ये बापू आसाराम सतपाल जी महाराज या जो निर्मल बाबा, ये ऑस्ट्रेलिया जर्मन जापान सिंगापुर और चीन रूस में चला गया सारा धन और ज्ञान हमारे देश में, जहाँ बस से बाहर नहीं निकलते हैं। तो सर आपको डर लगता है फिर? विक्रम की राम राम और भी आपसे भी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज आपको बता दूँ कि आज मैं मौजूद सुफीदों में, और आज हमारे साथ देख सकते हैं जो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के जो सुप्रीमो है राजकुमार सैनी जी हमारे साथ है, और आपको पता कि हरियाणा में है जो यात्राओं का जो दौर चल रहा है, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय आंटी ये मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो है हमारे JSTV के माध्यम से जो है ना दो शब्द कहने का मुझे मौका दिया, धन्यवाद, आभारी हूँ। तो सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो आपकी जो हरियाणा में जो यात्रा चल रही है, आज आप सफीदों पहुँचे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी एक जन जागरण अभियान यात्रा लेकर के निकली है कि जो 85% दलित और पिछड़ा SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, इनके साथ जो दगा हुआ उसी को दिखाने के लिए, हम लोगों को बताने के लिए कि 5 मुख्यमंत्रियों ने हरियाणा में से 2.5 लाख नौकरी में से अपने लोगों को 1,37,000 नौकरी दी हुई है। मेरे हाथ में ये पेपर है जी सर। और पूरे देश के अंदर मनुवाद व्यवस्था की वजह से गली गली मंदिर हैं, इन मंदिरों के माध्यम से जिस प्रकार से देश के अंदर मनुवाद का खुला गंगा नाच हुआ जी। लोगों को भ्रमित किया गया कि लक्ष्मी पूजा सरस्वती पूजा से ज्ञान और धन मिलेगा, तो सारा ज्ञान और धन भारत में होना चाहिए था जी। लेकिन यहाँ तो फूटी कौड़ी नहीं आई, ना धन की ना ज्ञान की, ये तो सारा कनाडा अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जर्मन जापान सिंगापुर और चीन रूस में चला गया सारा धन और ज्ञान हमारे देश में, जहाँ कोई देवी देवता नहीं, ज्ञान और धन वहाँ चला गया। यहाँ लोगों को मूर्ख बनाते ही रहे कि ढोल कुवार सुधर पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस प्रकार की चौपाइयाँ लेकर के भूषा मित्र सिंह ने इस देश का बंटा धार किया, और आज भी वैसी व्यवस्था के शिकार हमारे बच्चे कावड़ा ढोने में लगे हुए हैं। सर आप जो लगातार हरियाणा में दौर दौर पर है, तो किस प्रकार से लोगों को आपको प्यार देखने को मिलता है? ये व्यवस्था देखिए, अभी यहाँ पर पूरे शहर के जो मोतवर करीम लोग हैं वो लगभग मेरे साथ हैं, यहाँ पर दलित और पिछड़े भाइयों के सब लोग हमारे बीच में हैं। अरे जी, और ये जो व्यवस्था है इस देश की ठीक करने के लिए लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के, जो भेदभाव हुआ देश में अंधविश्वास के नाम पर और उसके नाम पर जो जिस प्रकार की व्यवस्था कायम हुई, इसी को बदलने के लिए लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी जद्दोजहद कर रही है कि भाई तर्कवादी बनो कि क्या सूरज को कोई निगल सकता है, क्या धरती में से बच्चे निकल सकते हैं, क्या आदि नारायण भगवान मच्छी के पेट से पैदा, मछली के पेट से पैदा हो सकता है, क्या जो है मैल से बच्चे, कुसा से बच्चे बन सकते हैं, क्या 10 सिरों वाला आदमी कोई पैदा हो सकता है, क्या जो है ना आदमी गर्दन पर हाथी गर्दन चढ़ाई जा सकती है, रोक ले भाई। तो हमारी इस व्यवस्था के शिकार ही हम उन लोगों को ये जागृत करने के लिए आए, भाई तर्कवादी बनो, ज्ञानवान बनो और हक अधिकार के लिए लड़ना सीखो। जो LSP की है, जो तैयारी की बात की जाए 2024 के लिए, कैसी तैयारियां? हमारे जो सारे पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर ये मूवमेंट चल रही है सुधराज क्रांति के नाम से, 11 अप्रैल को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है जी सर, जो महम 24 के चबूतरे पर होगा। और ये दावे से मैं कह सकता हूँ कि ये ब्राह्मण है नहीं, क्षत्रिय है नहीं, विषय है नहीं, वैश्य है नहीं, ये सारे शूद्र वर्ण के लोग हैं जिनका शोषण हुआ है, हम इन्हीं को जगाने के लिए कि भाई तुम खंड खंड में मत बंटो, तुम सारे इकट्ठे होकर के युद्ध लड़ो। सर आप जाति पर कटाक्ष क्यों करते हैं? ऐसा क्यों? देखिए मैंने कभी जाति पर कटाक्ष नहीं किया। ब्राह्मण अब कहते हैं कि राजकुमार सैनी जैसे ही हम अंधविश्वास पर बोलते हैं, क्या ये राम रहीम ब्राह्मण था, क्या ये बापू आसाराम सतपाल जी महाराज या जो निर्मल बाबा, ये सारे नित्यानंद स्वामी, ये सारे ब्राह्मण थे क्या? जी 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 जी।
हकीकत में जो अंधविश्वास फैला करके दूसरे को ठगने का काम कर रहा है, हम उस पर बोलते हैं जो ब्राह्मण अपनी खेती दुकानदारी कोई कारोबार कर रहा है, हम वो तो राष्ट्र निर्माण में लग रहा है। ये जाति भेद जो लोगों ने किया, जाटों ने पहले कहा राजकुमार सैनी जाटों का विरोध करता है, मैंने कहा 100% आरक्षण होना चाहिए, ब्राह्मण बनिए ठाकुर उनको भी आरक्षण में लो, जाटों को भी लो, 100% आरक्षण जनसंख्या अनुपात में करो। लेकिन बस ये है कि जो लोग शिकार हैं, जो लोग एक किस्म से सारा अजमाए हक अजमाए बैठे हैं, हक अजमाए बैठे हैं, वो लोग जिसके पास जिसने ज़्यादा दबा रखा है जब उसको टोकेंगे तो वो तो तिल मिलाए गई। लगभग आप बस में यात्रा कर रहे हैं और आप बस से बाहर नहीं निकलते हैं, तो सर मैं तो क्या आपको डर लगता है फिर? मैं तो अभी जो है ना यहाँ जो ये खानसरा चौक है वहाँ लोगों के बीच में भाषण नीचे ही दे के आया हूँ, और हर रोज जो है ना बीच में शादियों में गमियों में सब में जाता हूँ, लेकिन जब हम यात्रा करते हैं तो लगभग जो है ना चार चार तीन तीन जिलों तक जाती है। आज की भी यात्रा हमारी यहाँ से डिडवाणा से स्टार्ट होकर के इधर खानसरा और पूरी सफीदों, उसके बाद खेड़ा खेमावती, फिर मोहाना और अड़ाना, उसके बाद पूरी वो असंध में, उसके बाद जो है ना फिर जवाना और इधर होकर के फिर जाके पुंडरी रुकना असंध होकर के, अब इसमें उतर उतर के थोड़ा काम चलेगा। तो सर जो यात्रा आपकी कब समाप्त हो जाएगी? 31 मार्च तक। 31 मार्च। थैंक यू सर। ओके भाई, तो भी फिलहाल दे सकते हैं, हमारे साथ है राजकुमार सैन जी, हमारे साथ है, जुड़े हुए थे, बहुत सारे सवाल थे हमने इनसे किए, और आपको कैसा लगा ये इंटरव्यू हमारा? तो जितने साथ आप जो तस्वीर आप देख पा रहे हो, आप इन तस्वीरों को लगातार है सेव करें, हम फिर हाजिर होंगे किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।